नमस्कार, मैं शुभम जैन, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। रीवा के त्योतर में आए दिन टामस नदी पर रेत उत्खनन के मामले सामने आते रहते हैं। अभी पिछले दिनों ही त्योतर के आला अफसरों ने मीडिया से बात करते हुए रेत माफियों पर शिकंजा कसने की बात कही थी, लेकिन रेत माफियों के हौसले बुलंद हैं, जिसको लेकर त्योतर विधायक श्यामलाल त्रिवेदी ने मोर्चा खोलते हुए मीडिया से बातचीत में प्रशासन से रेत माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह है आखिर कब त्योतर रेत माफियों के प्रकोप से मुक्त होता है। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। जी, त्योतर के सबसे महत्वपूर्ण एक समस्या है। त्योतर में दो नदियां हैं, त्योतर टमस नदी और आपकी बेलन नदी आपके पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि अविरल बह रही। यहाँ सबसे ज़्यादा रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। घाटों में हैवी मशीनें लगाकर रेत निकाली जा रही, इस पर आपका प्रयास क्या है? समय समय पर हमने कलेक्टर और SDM से इस संबंध में चर्चा किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये अवैध खनन हम नहीं होने देंगे, लेकिन आपको ये मालूम है, आप पत्रकार हैं, हम फिर से उस संबंध में जानकारी संज्ञान में लेके सीधे कलेक्टर से बात करते हैं कि यहाँ यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाने का काम करें। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।